खबर बहराइच जनपद से आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से सरकार के द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे। इसी क्रम में आज जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित किए गए अमृत फार्मेसी में सभी महंगी दवाएं 40% छूट पर मरीजों को दी जाएंगी। अमृत फार्मेसी का उद्घाटन सांसद अक्षय बरलाल गुंड ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खत्री ने बताया कि अमृत फार्मेसी से सभी मरीजों को तकरीबन 5200 तरीकों की दवाएं कम कीमत पर दी जाएंगी, जिससे मरीजों के समय और पैसे की बचत होगी। ये जो दवा है आपके अस्पताल से जो लिखा जाएगा वही मिलेगा कि नहीं? सब मिलेंगे सर, कि जो बाहर वाली भी होंगी वो। यदि हम बाहर से आते हैं तो वो भी ये अमृत फार्मेसी का यहाँ खोला गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 60% तक की दवाएं कम रेटों पे यहाँ उपलब्ध होंगी। कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये सन 2015 में शुरू हुई थी। इसका पहला सेंटर एम्स दिल्ली में शुरू हुआ 15 दिसंबर सन 2015 में। इसमें जो अमृत है इसका पूरा फुल फॉर्म ही यही है कि अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट। जो ये शुरू हुई थी पहले इम्प्लांट और कैंसर की दवाइयों के लिए शुरू हुआ था सन 2015 में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब गरीब मरीजों के लिए सारी दवाइयों की उपलब्धता में प्रॉब्लम आने लगी तो इसके ऊपर सारी दवाइयाँ अब उपलब्ध होने लगी हैं। इनके पास करीब 5200 दवाइयों का पूरा उपलब्धता रहती है एक फुल सेंटर पर। और इसमें कोई भी जो मरीज की किसी हड्डी में कोई इम्प्लांट लगेगा या आगे चल के अभी हम कैंसर की बीमारी के लिए शुरू करेंगे तो कैंसर की कीमोथेरेपी जो होगी जो कि बहुत ही महंगी पड़ती है एक एक साइकिल, वो यहाँ पे हमको करीब 60-70% डिस्काउंट पे उपलब्ध होगी। प्रिंसिपल सर, इन्हीं शुभारंभ के बीच में एक महिला भी आई थी कुछ शिकायत कर।